हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और आज इस वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते भी हैं तो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मूलभूत सिद्धांत क्या है अट्रैक्शन का। एक तरफ बोलते हैं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फॉलो करती हूँ या करता हूँ, आपके सारे वीडियोज़ देखता हूँ, और फिर उनके कुछ एक कमेंट्स आ जाते हैं जो मुझे परेशान भी कर देते हैं और मुझे हंसी भी आती है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं तो ये सवाल तो बनता नहीं है। क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेरे जो फ्रेंड हैं या मेरे जो रिलेटिव हैं जो बहुत ख़राब है, बहुत बदमाश है, बहुत गलत काम कर रहे हैं, वो फल फूल कैसे रहे हैं और मैं जो इतनी अच्छी हूँ वो कैसे इतनी दुखी हूँ। तो उन सारे लोगों को मैं कहूँगी मेरे चैनल पर एक वीडियो है वॉर्टेक्स क्या होता है वो देखें ताकि और बेटर क्लैरिटी मिले। बट आज ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि अट्रैक्शन होता कैसे है, और एक लास्ट में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी जिसको अगर आप एंड तक सुनेंगे तो आप में एक वाइब्रेशनल शिफ्ट आएगा, क्योंकि कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी होता है। हम दूसरे किसी अनजान इंसान की सक्सेस स्टोरी देख के इतना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन अपने जान पहचान के लोगों को बढ़ता देख के बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे वो कैसे बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि दूसरा ग्रो करे, यानी अपने रिश्तेदार, दोस्त, मेहमान सब ग्रो करे, लेकिन उससे कम। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग जब बहुत परेशान देखते हैं अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, तो बड़े दुखी होते हैं उनके साथ। बट जैसे ही उनको ग्रो होता देखते हैं तो जब तक उनके लेवल में नहीं आता है तब तक तो कोई बात नहीं, ग्रो हो अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। बट जैसे ही वो इंसान उनके लेवल से भी ऊपर चला जाता है तो वहाँ से उनका डर शुरू हो जाता है, वहाँ से उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है मानो ये दुनिया जो है बस एक छोटा सा केक है, ये हिस्सा कट गया मतलब ख़त्म। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट उनको समझ में ही नहीं आता, ये अनंत है, ये दुनिया अनंत है और यहाँ के सारे रिसोर्सेज अनंत हैं। तो अगर किसी के बढ़ने से आपको दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लैक के वाइब्रेशन में अभी हैं। कोई कितना भी बढ़ जाए, इस दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि आपकी चीज़ें आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी दूसरे के पाने से आपका लॉस नहीं होता है। अब यहाँ आता है कि वो बुरा इंसान है क्यों ग्रो कर रहा है, तो अट्रैक्शन का तो नियम है ही नहीं। अट्रैक्शन में कहाँ बोला गया है कि अच्छा या बुरा, अट्रैक्शन का नियम तो ये है कि आप जो खुद को समझिएगा, आप जो खुद को सोचिएगा, आप जैसा चाहिएगा वो अट्रैक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे बुरे गलत सही की तो बात ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो सही गलत अच्छा बुरा है ये एक प्रोस्पेक्टिव है, यानी आपके हिसाब से वो इंसान ख़राब है। एक वही सास बहू के लिए बहुत बुरी होती है बट वही इंसान उसके बेटे या बेटी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो क्या वो इंसान गलत है? नहीं, उस इंसान का एक डायमेंशन जो बहू देख पा रही है उसके बच्चे नहीं देखते हैं। तो उस बहू के लिए वो सास बुरी है बट उसके बाकी डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी माँ होगी, शायद वो अच्छी सास ना होगी। या एक बहू का डायमेंशन जो सास अट्रैक्ट कर रही है वो उसके माँ बाप अट्रैक्ट नहीं करते हैं, शायद वो बहुत बुरी बहू होगी लेकिन एक बहुत अच्छी बेटी होगी। हर एक इंसान मल्टी डायमेंशन है, तो आप अगर किसी के एक डायमेंशन पे फोकस्ड हैं कि वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत ही घटिया इंसान है, और उसको फलता फूलता देख के परेशान हो रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे फोकस को तो आपको आपकी चीज़ें कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करना है अगर कोई फल फूल रहा है और आप उसकी फलते फूलने से परेशान हो रहे हैं, तो उनके बारे में जानना सोच बंद कर दें, उनके बारे में खबर लेना बंद कर दें। आप उनके ऊपर से ध्यान हटा देंगे तो धीरे धीरे उनका वाइब्रेशन कम हो जाएगा और फिर आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे क्या चाहिए आपको खुद पे। ओके, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि जब आप किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं
किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो आपको एक वाइब्रेशनल शिफ्ट मिलता है, कितने क्लूज मिल जाते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमें भी वो चाहिए, जब दूसरे को देखते हैं वो पाते हुए तो लगता है अरे वाह ये तो मैं भी कर सकती हूँ जब वो कर सकता है। तो ठीक वैसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि सारी सक्सेस स्टोरीज को मिला के एक वीडियो बनाती हूँ ताकि एक लंबा अलाइनमेंट हो आपको, समझे दूसरे के बढ़ने से आप नहीं घटते हैं, लेकिन अगर दूसरों की सफलता पे ताली बजाएंगे तो आप ज़रूर बढ़ेंगे। आप में हर वो क्षमता है जो उसमें है, तो जब वो पा सकता है तो आप क्यों नहीं। अगर आपको लगता है वो इंसान खराब है फिर भी वो फल फूल रहा है, और आपको लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो फिर आप अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर देंगे तो सोचिए उससे ज़्यादा पा सकते हैं। लेकिन जब तक उसके बुरे होने पे फोकस रखेंगे, जब तक उसके किए गए कर्मों पे फोकस रखेंगे, तब तक आप अपने वाइब्रेशन को हमेशा नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक पे रखेंगे। तो पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक पे आइए, क्या चाहिए वो देखिए, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखिए और खुद को इंस्पायर करें वो बनने में जो आप बनना चाहते हैं। तो अभी मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एक लगातार, ताकि आपको एक अलाइनमेंट मिले और विश्वास हो आप लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो मैं आज इस चैनल पे आप लोगों के साथ बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, सिर्फ बातें नहीं हैं, हर एक चीज़ का प्रमाण मिल रहा है। आज मेरे चैनल पे कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज है इस बात का प्रमाण है कि जो भी अपने फोकस को बदलता है, जो भी खुद पे काम करता है, जीत उसी की होती है। तो अभी लगातार सक्सेस स्टोरी होगी, कुछ लोगों ने अपनी इमोशंस शेयर किए हैं, कुछ लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर किए, कुछ लोगों ने लिख के शेयर किया, कुछ लोगों ने ऑडियो फॉर्म में शेयर किया, तो मैं लगातार अभी चालू रखूंगी। एंड तक देखिएगा और देखिएगा क्या वाइब्रेशनल चेंज आता है, वापस से रीस्टार्ट करने का जज्बा जागता है कि नहीं जागता है, वापस से एक नया डिज़ायर जगता है कि नहीं जगता है, वापस से आपको एक नया क्लू मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब आने वाली है आपके सामने सक्सेस स्टोरीज। नमस्ते रेवती जी, मेरा नाम दिव्या, मैं आपसे मेरी बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले सबसे थैंक यू कहूँगी, स्पेशली यूट्यूब से, यूट्यूब होने की वजह से ही तो मैं आपसे मिल पाई। पहले मैं अंजना मैम के बारे में जानी, फिर उनके थ्रू मैं आप तक पहुँच पाई, तो उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू कहती हूँ। और स्पिरिचुअल होने की वजह से मैं आपसे और भी जो आप जो बोलती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने को, उसकी वजह से मेरे लाइफ में ना बहुत बहुत अमेजिंग चेंजेस आया है। हमेशा मैं सोचती थी बाहर कोई है जो करके देगा, बाहर कोई बेटा है, कभी अपने अंदर अंदर वो पावर है वो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था, जब तक मैं आपकी टीचिंग्स फॉलो करने लगी, जब मुझे अब्राहम हिक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब पता चला। इतना ईजिली आप एक्सप्लेन करती हो उसकी वजह से, उसके लिए मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये अब मैं स्टोरी बताती हूँ मेरा, लाइक बचपन से ना हम लोग एक कल्ट के हिस्सा थे, वो वहाँ के जो गुरु हमारे लिए भगवान के जैसा था, और मेरे पापा तो बहुत रिच थे, उनको सब कुछ था, बहुत लोगों का शादी कराया है, बहुत लोगों का घर बचाया है, बैंक की जब लेने को आता था तो ऐसा पैसा दे के ऐसा बहुत कुछ किया डैडी ने, तभी ना वो अलाइनमेंट में थे। फिर क्या हुआ, ये कल्ट जो है ना उससे ना हमारा फैमिली इतना अटैच्ड हो गया कि हम लोग एक तरह का सर्वेंट जैसे बन गए। मेरे डैडी तो गाइडेंस के लिए उनके पास ही जाते थे हमेशा, लेकिन गाइडेंस नहीं मिला। मेरे पापा के बनाया ना घर गाड़ी बिजनेस सब उनका चला गया, और कुछ भी कुछ बचा नहीं उनको, हम लोग तो तभी छोटे थे। और अब और एक इतना सब होने के बाद भी ना उनको लगता था कि वो गुरु जो है वो उनकी रक्षा करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं तो फिर भगवान की कृपा से मेरा जो एक बार ऐसे यूट्यूब देख रही थी तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस के बारे में सुनने लगी, और इट मेड मोर सेंस। उसके बाद मैंने अंजना मैम का वीडियो देखने शुरू की,
तभी चेंजेस आने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक इम्पल्स आई कि रेवती मैम से पर्सनल सेशन लो, ऐसा मेरा मन में इम्पल्स है, क्योंकि उस टाइम मेरे घर में बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था। तो वो जो पर्सनल सेशन मैंने जो रेवती मैम से किया था वो एकदम लाइफ चेंजिंग था मुझे ना, मैं वो कभी नहीं भूलूँगी। थैंक यू मैम फॉर दैट। उस सेशन में मैंने उनसे बात की थी कि कैसे मुझे बहुत अंदर ही अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं कल्ट से बाहर निकलूँ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर था कि अगर मैं जो सोच रही हूँ गलत है क्या, मैं अपने जो तभी मैं जिसको गुरु मानती थी उनसे अगर मैं उनसे उन्हें छोड़कर अगर मैं दूर जाऊँ तो क्या कुछ बुरा होगा क्या, ये सोच के मुझे बहुत टेंशन था। और मेरा तो माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड वैसा प्रोग्राम था ना, तो इसके सब बारे में मैंने रेवती मैम से चर्चा की थी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ स्पिरिचुअल एडवाइस दी थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं चक्रा क्लास ज्वाइन करूं ताकि मेरा बहुत कुछ क्लियर हो जाए, अंदर उतना घाव था ना। तो उनके अकॉर्डिंग टू हर एडवाइस मैंने चक्रा क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं चक्रा करने लगी, चक्रा मेडिटेशन। अमेजिंग था, मेरा बहुत कुछ एकदम इजीली मैनिफेस्टेशन जो है ना वो इजीली होने लगा, मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और मैंने मेरे मम्मी पापा को बहुत मेडिटेशन के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और एकदम बेस्ट लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ना उसके बारे में रेवती मैम ने मुझे पर्सनल सेशन में बताया था। वो बहुत कमाल की चीज़ है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा लिखना। मेरे डैडी है ना, उनका सिंस वो आउट ऑफ अलाइनमेंट थे तभी, उनका इवन उनके रिश्तेदारों से भी जमती नहीं थी। जब से ये मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक और जब सब करने लगे ना, क्या हुआ, अमेजिंगली उनका जो भी रिलेशन था रिश्तेदारों के साथ वो एकदम हील हो गया। अभी वो लोग इतना खुशी खुशी रहते हैं ना कि पूछो मत। बहुत बहुत सालों बाद मैंने मेरे पेरेंट्स के फेस में हंसी देखी, खुशी देखी, सब झगड़ा सब ठीक हो गया। और ये तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्या है पता है, 23 इयर्स पहले हमें अपना खुद का घर से निकलना पड़ा क्योंकि बैंक लेके गया था। तब से मेरे घर वाले रेंटेड घर में रहते थे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये चक्रा करने के बाद और ग्रैटिट्यूड वॉक और लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये सब करने के बाद पता है क्या हुआ, मेरे मन में इंपल्स आई कि घर लेना है, एक घर लेना है मम्मी पापा के लिए, वो भी अपने गांव में ही लेना है। तो जो जहाँ लाइक मेरी शादी हो गई है, जहाँ हम सेटल्ड हैं ना, वहाँ पे एक सेंट का प्राइस है 10 लाख और फ्लैट तो लाइक करोड़ों, एक करोड़ तो वो रेट में है, लेकिन हम लोग का बजट उतना नहीं था। तो लेकिन अभी सिंस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक फॉलो करती हूँ और सिंस मैं मेरे अंदर के जो भगवान है उससे अलाइंड हूँ, तो हमेशा मेरे मन में लगता था कि नहीं, हम लोग का जो बजट है उतने में अच्छा घर मिलेगा, पक्का मिलेगा। और ईजिली और एफर्टलेसली, आप विश्वास नहीं करोगे, रात को जब मैं ऐसा व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर हाउस, 36 लाख में 1000 स्क्वायर फीट का घर, एक फ्लैट का ऑफर दिखा। नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड गए, वो घर देखते ही लाइक वी फेल इन लव, एकदम पॉजिटिव वाइब वाला घर, और हम लोग ने विदाउट होम लोन वो घर खरीद लिया, 1000 स्क्वायर फीट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट किस मेरे मामी पापा के लिए। तो 23 इयर्स बाद वो लोग अभी अपने खुद के घर में रहने वाले, अभी तो घर का फर्निशिंग चल रहा है, दिसंबर में हम लोग गृह प्रवेश करने वाले। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी अमेजिंग स्टोरी है, 23 इयर्स किसी और के मतलब सर्वेंट जैसे हम लोग सेवा करते थे, कोई गाइडेंस कुछ नहीं मिला मेरे फादर को,
और अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान के हार्डली 1 ईयर ही हुआ है, तभी से इतना पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर।